21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया योग करती है, लेकिन सिर्फ एक दिन योग करने से स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं ली जा सकती। इसलिए सिर्फ एक दिन ही नहीं, बल्कि आपको पूरे साल भर अपनी जीवन शैली में योग को शामिल जरूर करना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप योग के लिए प्रतिदिन समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 ऐसे योगा पोजेज बताने जा रहा हूँ, जिन योगा पोजेज को आप महज कुछ मिनट रोज अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो आप खुद को जीवन भर फिट और हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट योग है भुजंग आसन। भुजंग आसन को कोबरा पोज या आसन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में सुधार के अलावा वजन कम करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। भुजंग आसन करने के सही तरीके की बात करें तो इसके लिए आप सबसे पहले पेट के बल सीधे होकर लेट जाएं। अब अपने पैरों को हिप्स की सीध में पास लेकर आएं। अपने दोनों हथेलियों को कंधे के निकट मैट करके टिका लें, गहरी सांस लें और अब अपने हथेलियों पर दबाव डालते हुए पेट तक हिस्सा को उठाएं। चेस्ट और कंधे को ज्यादा से ज्यादा खोलें। अच्छे परिणाम के लिए गर्दन को ऊपर ले जाते समय आगे के दांत मिलाकर रखें। इससे आपका थायराइड नियंत्रित रहता है। भुजंग आसन करने से रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन आता है। यह हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। फेफड़े और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज खोलने में भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इस आसन को करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हर्निया, अल्सर या बैक इंजरी से ग्रसित है तो उसे भुजंग आसन नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा आसन है मंडूक आसन। बेली फैट को कम करने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा माना गया है। मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, अपनी मुट्ठियां बंद कर लें और अंगूठा बाहर रखें। अपनी सांसें बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर खींचें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ज्यादा देर तक सांस रोक कर रखने की कोशिश करें। इसके बाद ऊपर आते हुए रिलैक्स करें, और इस आसन को आप रोजाना 5 से 10 मिनट करने से बहुत फायदा होता है। मंडूक आसन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। एसिडिटी यानी कि पेट में गैस बनने की समस्या से ये आसन निजात दिलाता है। लेकिन अगर आपके घुटने, टखने और पैर में गंभीर चोट है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद आपको मंडूक आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा आसन है पर्वतासन। यह शरीर के कामकाज को बेहतर बनाने वाला मुख्य आसन में से एक है, और रोजाना पर्वत आसन करने से हमारे शरीर की काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। पर्वत आसन करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को मैट कर टिका कर घुटनों के बल टेबल पोज में आएं। अब गहरी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान कोहनियां और घुटने सीधे होने चाहिए। अब अपनी एड़ियों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें, सिर को कंधे के बीच अंदर की ओर ले जाकर झुकाएं और अपने दोनों आँखों को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इस आसन को करने से कंधों में दर्द और जकड़न की समस्या दूर होती है, और ये आसन करने से लोअर बॉडी फैट काफी तेजी से कम होता है। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, शोल्डर बैक या फिर लेग इंजरी होने से ग्रसित हैं, तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इन तीनों ही योगा आसन के अलावा आपको अपने रूटीन लाइफ में कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही प्राणायाम आपकी शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज इंटरनेशनल योग दिवस पर संकल्प लें कि आप इन आसनों को अपने रूटीन लाइफ में जरूर शामिल करेंगे।